हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए इस वीडियो में हम लोग पाई के बारे में सब कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, जो पाई होता है वो पाई हमेशा ही एक इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है? इरेशनल। पाई हमेशा एक ऐसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, क्लियर? इतनी बात हो गई। इसकी जो वैल्यू होती है, वो 3.141519 के अप्रोक्स होती है। ठीक है ना? ये जो भी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होती है, इस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को सबसे पहले एक ग्रीक मैथमेटिशियन आर्किमिडीज ने कैलकुलेट किया था। ये जो वैल्यू जो रखी थी पाई की, इस वैल्यू को सबसे पहले एक ग्रीक मैथमेटिशियन आर्किमिडीज ने कैलकुलेट किया था, और बाद में एक इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करी थी। इसकी पाई की क्या करी थी? अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करी थी, 3.1416। इस पाई की अभी तक ट्रिलियंस प्लेसेस में, ठीक है ना, ट्रिलियंस डेसिमल्स प्लेसेस तक इसकी वैल्यू को फाइंड किया जा चुका है। ठीक है, चूंकि पाई एक इरेशनल नंबर होता है, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा ही हमेशा कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है ना? क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अगली बात यह है कि जो पाई होता है, ये पाई हमेशा ही क्या होता है? सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। क्या होता है? सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई आपको। अगली बात करते हैं कि आपको पता है कि जो पाई होता है इसकी जो वैल्यू, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ली जाती है। कैसे वैल्यू? अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू जो ली जाती है, वो कितनी ली जाती है? 22/7 भी ली जाती है। ठीक है, क्लियर है? पक्का? अगली बात आपको जो याद रखनी है पाई के बारे में, वो ये है कि जो पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्या सेलिब्रेट किया जाता है? पाई डे। आप लोग बता सकते हो कब किया जाता है पाई डे? कब सेलिब्रेट किया जाता है पाई डे? आपका जो है 14 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है ना? 14 मार्च इसी से रिलेटेड है। देखो, जो 3.14 होती है ना, 3. जो 14 वैल्यू होती है पाई की, इधर बता देता हूँ, 3.14, ये जो 14 है ना, यही डेट है, और जो 3 है वो जनवरी फरवरी मार्च, थर्ड मंथ ऑफ द ईयर है। ठीक है ना? जो 3.14 है ना, वो रिलेट करता है पाई डे से। कैसे? 14 मार्च, 14 डे है, और मंथ कौन सा है? मार्च का है। ठीक है ना? तो 14 मार्च को पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है। द लाइफ ऑफ पाई के बारे में एक मूवी भी बनी है, आप सबने देखी होगी। कमेंट करके बताइए इसमें जो लीडिंग एक्टर है वो कौन सा है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि पाई के बारे में आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।